दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही भारत, चुनाव आयोग बार बार कई बार चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है। इस सिलसिले में अनिल जैन ने जनचौक के लिए एक लेख लिखा है कि किस किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर। वही लेख आज के इस चर्चा का विषय है। चुनाव करा रहा है या सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है चुनाव आयोग? वो लिखते हैं कि इस समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 3 राज्यों में वोट डाले जा चुके हैं और 2 राज्यों में 7 मार्च को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन 5 राज्यों के लिए जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक लग ही नहीं रहा कि देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में है। अगर है भी तो ऐसा लग रहा है वह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ की सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रही है। अनिल जैन लिखते हैं कि नियमानुसार मतदान से 36 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान के एक दिन पहले इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसका सभी चैनलों पर सीधा प्रसारण हो रहा है। वे मतदान करने वाले दिन भी अपने चुनावी क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, अन्य चुनावी क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वे खुलेआम चुनावी रैलियों में हिंदुओं को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं और बिना किसी आधार के विपक्षी दलों को आतंकवादियों का मददगार बता रहे हैं। मतदान से एक दिन पहले ही सरकारी टेलीविजन पर सुबह से रात तक विभिन्न विभागों के केंद्रीय मंत्रियों के लाइव इंटरव्यू दिखाई जा रहे हैं, जिनमें वे अपने मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव कानूनों और नियमों के मुताबिक यह सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। यह सब होता देखकर भी चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आ रहा है। साथियों, ईवीएम को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं और कई बार हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया है कि ईवीएम डाउटफुल है और इस चुनाव में भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। अनिल जैन ने लिखा आगे कि हमारे देश में कैसा भी चुनाव हो रहा हो और किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, आम तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता कभी संदेह से परे नहीं रही। इसके बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने यहां चुनावों को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने का ठोस उपाय ढूंढने में नाकाम रहा है। इस सिलसिले में हम अगर मौजूदा चुनाव आयोग की भूमिका को देखें तो उसके कामकाज के तौर तरीके बताते हैं कि वह अपनी बची खुची साख को भी मटियामेट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले 7-8 वर्षों से जो हालात है, हालत यह हो गई है कि जो भी नया मुख्य चुनाव आयुक्त आता है वह अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ते इस संस्था की साख को गिराने में नए नए आयाम जोड़ता है। यही वजह है कि हर चुनाव में, चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा या फिर स्थानीय निकाय का चुनाव, मतदान के समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में गड़बड़ी, कई लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हो जाने, मतदान के बाद ईवीएम बदले जाने, ईवीएम मशीनों की सील टूटी पाए जाने और मतगणना में धांधली की शिकायतें हर तरफ से आने लगती। अब तो जिन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है वहां से उन स्ट्रांग रूम की सील टूटी पाए जाने की शिकायतें भी आने लगी हैं, जहां मतदान के बाद ईवीएम को मतगणना होने तक रखा जाता है।
ये ईवीएम की बहुत बड़ा मामला है। चलिए आगे। इस समय जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया चल रही है उनमें जहां जहां मतदान संपन्न हो चुका है वहां मतदान के हर चरण में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आई। शिकायत आमतौर पर यही है कि वोट किसी को भी दिया जाए वह जा रहा है सिर्फ भाजपा के खाते में। इस तरह की शिकायतों का सिलसिला पिछले 6-7 सालों से बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि किसी भी चुनाव में कहीं से यह शिकायत अभी तक सुनने को नहीं मिली है कि भाजपा को दिया गया वोट किसी अन्य पार्टी के खाते में चला गया है। मामला बहुत गंभीर है। अगर इस तरह की बात है कि वोट कहीं और दे रहे हैं जा रहा है भाजपा में, पहले भी मध्य प्रदेश में भी इस तरह की शिकायत आई थी, कई राज्यों में पहले भी आई। बहरा अनिल जैन साहब लिखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। यह मामला एक से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के सख्त निर्देश चुनाव आयोग को दिए, लेकिन गड़बड़ियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग की विश्वसनीयता सिर्फ ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर ही सवालों के घेरे में नहीं है। जिन क्षेत्रों में मतदान हो चुका होता है वहां से उन स्ट्रांग रूम की सील टूटी पाए जाने की शिकायतें भी आने लगती है। चुनाव आयोग की साख और नियत पर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है कि मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद से मतगणना शुरू होने तक विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता को स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात पहरा देना पड़े। पहरा देने से भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी का मामला है, वो कहीं से भी और इधर उधर हो सकता है। तो यह बात समझने की है। बहरा ऐसा पहले भी कई चुनावों में हो चुका है और इस समय उत्तराखंड तथा गोवा में भी हो रहा है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को ईवीएम बदले जाने या उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका सता रही है। आशंका के चलते ही वे हर जिले में मतगणना केंद्रों पर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वहां भाजपा बड़ी ताकत के तौर पर चुनाव लड़ी नहीं, इसलिए वहां चुनाव के बाद नतीजा चाहे जो हो सरकार तो भाजपा की ही बनेगी वाली स्थिति नहीं है, इसलिए वहां कांग्रेस या अन्य पार्टियों को चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश बड़ा क्षेत्र है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है, इसलिए उत्तर प्रदेश पे नजर रखना ज्यादा जरूरी है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो इससे आगे की ही बात सुनने को मिल रही है जो कि बेहद चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वर्तमान में घूम रहे कई स्वतंत्र पत्रकारों और टिप्पणीकारों ने इसे सुना है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि विपक्षी पार्टियों के नेता प्रचार के दौरान मतदाताओं से अपने उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोटों से जिताने की अपील कर रहे हैं। कई जगह सुनने को मिला कि 10,000 वोट का मार्जिन चुनाव आयोग के लिए लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग से उनका मतलब आयोग से लेकर स्थानीय प्रशासन तक से है। वे कह रहे हैं कि अगर 10,000 से कम वोट का अंतर रहा तो गिनती के समय धांधली की जा सकती है। इन नेताओं और उम्मीदवारों को एक चिंता पोस्टल बैलेट को लेकर भी है। पोस्टल बैलेट को पहले कभी भी चुनावी राजनीति में बहुत अहम नहीं माना गया, शायद ही कभी इसकी वजह से नतीजे प्रभावित हुए होंगे, लेकिन अचानक पोस्टल बैलेट का महत्व बढ़ गया है। चुनाव लड़ रही भाजपा विरोधी पार्टियों को पोस्टल बैलेट का डर सता रहा है, उनको चुनाव आयोग पर भी संदेह है और प्रशासन पर भी, इसलिए उन्हें लग रहा है कि सिस्टम का फायदा उठाकर भाजपा पोस्टल बैलेट के सहारे नतीजों को प्रभावित कर सकती है। ध्यान रहे, पहले पोस्टल बैलेट से वोटिंग का अधिकार सेना के जवानों, अधिकारियों और चुनाव कराने वाले
कर्मचारियों को ही था, लेकिन अब 80 साल से ज्यादा उम्र वाले और गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की अनुमति मिल गई है। पहले मतदान शुरू होने पर पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होती थी, उसके बाद ईवीएम खोले जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में मतगणना खत्म होने तक पोस्टल बैलेट गिने जाते रहे। पहले पोस्टल बैलेट बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के जरिए दिए जाते थे, अब डाक से भेजे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पोस्टल बैलेट से वोट भेजने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने पहचान पत्र की कॉपी उसके साथ लगानी होती है, इससे वोट की गोपनीयता भंग होती है। और यदि सरकारी कर्मचारी ने सरकार की विरोधी पार्टी को वोट दिया तो उसके लिए अलग खतरा पैदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के समय गाजियाबाद के एक बूथ पर ऐसी घटना हुई कि वोट डालने पहुंचे मुस्लिम परिवार के कई सदस्यों के वोट पोस्टल बैलेट से डाले जा चुके थे, जबकि उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी विपक्षी पार्टियों को आशंका सता रही है कि पोस्टल बैलेट के जरिए उनके उम्मीदवारों की जीत को हार में बदला जा सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत हार का अंतर कम हो। आगे लिखते हैं अनिल जैन कि चुनाव आयोग पर यह आरोप तो अब आम हो चुका है कि वह सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेताओं की सुविधा के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। यह भी माना जाता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आयोग सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करता है और सत्तारूढ़ दल के नेताओं को क्लीन चिट दे देता है। चुनाव की निष्पक्षता का पलड़ा हमेशा ही सरकार और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुका देखते हुए अब तो कई लोग उसे चुनाव मंत्रालय या केंचुआ तक कहने लगे। हैरानी उस समय और ज्यादा होने लगती है जब चुनाव आयोग की निष्क्रियता या उसके पक्षपातपूर्ण रवैये पर जब कोई विपक्षी दल सवाल उठाता है तो उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं बल्कि उसकी ओर से भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री देने लगते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी अपनी चुनावी रैलियों में विपक्ष की शिकायतों का फूहड़ तरीके से मजाक उड़ाते हुए चुनाव आयोग का बचाव करते नजर आते हैं। आई चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है और ईवीएम खत्म हो और बैलेट से चुनाव हो, यही है। अभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी का लेवल उतना नहीं पहुंचा है, हेरा फेरी होने की संभावना है। लिखते हैं अनिल जैन की जाहिर है केंद्र ने अन्य संवैधानिक संस्थाओं की तरह चुनाव आयोग की स्वायत्तता का भी अपहरण कर लिया। अब चुनाव आयोग एक तरह से सरकार का रसोई घर बनकर रह गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त रसोइये की भूमिका निभाते हुए वही पकाते हैं जो केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी चाहती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त सहित उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ वह भी हो सकती है। समय आ गया है कि देश के प्रबुद्ध नागरिकों, न्यायविदों और सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया साथियों, और ये था चुनाव आयोग पर अनिल जैन साहब का लेख। पूरा वीडियो देखिए और पूरा शेयर करते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद। फिर मिलता हूं जल्दी अगले एपिसोड।